हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स या फिर अपन कहें स्कूल लेक्चर के स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी के अंदर, अभी जो हाल ही के अंदर अनाउंस की गई है फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं या जो बायोलॉजी के अंदर जो एक सब्जेक्ट दिया गया है, टॉपिक दिया गया है इथोलॉजी, तो जूलॉजी का एक टॉपिक है इथोलॉजी। और इस इथोलॉजी के अंदर पांच या चार टॉपिक जो है वो मेंशन किए गए हैं। इनमें से अपन ने जो लास्ट वीडियो बनाए थे इथोलॉजी के, मैंने पांच या छह वीडियो शायद मैंने बना रखे हैं जो भी हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए। पहले मैंने आप में प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो पूरी डिटेल है वो मिल जाएगी। तो उससे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन डिस्कस करें कि अपना आज का जो टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, ये एक टॉपिक मेंशन किया गया है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में या फिर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन फ्रेंड्स या उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके जो बायोलॉजी से स्टडी कर रहे हैं। तो अभी अपना जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग या फिर अपन कहें अधिगम की अवधारणाएँ। तो अधिगम की अवधारणाएँ या कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है तो ये अपन किसे कहेंगे? तो जो लर्निंग है, लर्निंग का मतलब अपन जानते भी हैं, सीखना, पढ़ना, इस प्रकार जो भी टर्म अपन यूज में लेते हैं जनरली लर्निंग, सीखना, पढ़ना। लेकिन यहां पर इथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहां किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं अपन? बिहेवियर की रेफरेंस में अपन पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार का जो बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर है, वो कैसे ऑर्गेनिज्म सीखता है या किस प्रकार का ये कंसेप्चुअल या कंसेप्ट सामने आया है। तो इसमें जो अधिगम है बिहेवियर, तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी प्राणी या जीव जंतु जो भी अपने जीवन काल के अंदर उपार्जित लक्षण जो ग्रहण करता है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी एनिमल या प्राणी हो जो अपने जीवन काल में अपनी आसपास की जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, इन्वायरमेंट है, उसमें से जो बिहेवियर या जो व्यवहार वो सीखता है और वो व्यवहार उसके जीवन काल में कैसा हो, स्टेबल होता हो, वो आदत हो और वो स्टेबल होती हो, तो उस प्रकार के व्यवहार को अपन क्या कहते हैं? लर्निंग व्यवहार कहते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कोई भी एक एनिमल है, इस एनिमल के आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट या कंडीशन है, इस कंडीशन से ये एनिमल क्या सीखता है या क्या एक्वायर्ड करता है, एक्वायर्ड करता है, उस एक्वायर्ड का जो करैक्टर है, जो करैक्टर इसने क्या किया है, अडेप्ट किया है। कोई भी एनिमल अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसकी आवश्यकताएं, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी करैक्टर को वो अडेप्ट करता है या एक्वायर्ड करता है, तो उस करैक्टर, वो जो करैक्टर है वो उसकी लाइफ साइकिल में कैसा हो, स्टेबल हो, वो करैक्टर कैसा होता जाए, स्टेबल करैक्टर हो, और वो व्यवहार क्या करता है, वो परमानेंट व्यवहार शो करने लगता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं या अधिगम कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो अधिगम का सीधा सा हुआ कि कोई भी इंसान या प्राणी या जीव जंतु जो अपने जीवन काल में कोई भी लक्षण जो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, किसी भी कंडीशन के कारण से वो सीखते हैं, और वो जो करैक्टर उनके आया है भी नया, वो अगर स्टेबल करैक्टर होता है, उसको बार बार वो दोहराते हैं, तो वो करैक्टर क्या होगा, फिर उसका लर्निंग हो गया, उसने अधिगम, मतलब वो करैक्टर अपने आप में समा लिया है उस करैक्टर को, तो उसे अपन कहते हैं अधिगम। ये जो बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर है, वो खास तरह से अपन कहें कि एनिमल क्यों परफॉर्म करता है, तो वो करता है अपने
बेनिफिट के लिए करता है, मोर बेनिफिट और मोर अडेप्टेशन। मोर अडेप्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वो अडेप्ट कर सके उस इन्वायरमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा मिल सके, इसलिए अपने व्यवहार के अंदर वो क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो अपन जानते ही हैं, दूसरी चीज़ ये जो चीज़ें होती हैं, ये लर्निंग बिहेवियर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखा जाए तो अपने लाइफ में आफ्टर बर्थ क्या करते हैं, वो अचीव करते हैं आफ्टर बर्थ, ऐसा व्यवहार वो क्या करते हैं, सीखते हैं। इनकी वैसे एक चीज़ अपन कहें कि इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना के बजाय जो अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग एरिया है, उनके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग वे में डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो लर्निंग बिहेव है या अधिगम है वो किसे कहते हैं, स्टेबल चेंजेज बिहेवियर इन लाइफ ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल के अंदर कोई भी व्यवहार में चेंज होता है और वो कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो उस प्रकार के व्यवहार को अपन क्या कहते हैं, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लर्निंग या अधिगम करना कहते हैं। क्योंकि ये व्यवहार इसने अभी अभी करना स्टार्ट किया है और आगे वो हमेशा करता रहता है इस प्रकार का व्यवहार, तो ये व्यवहार जो है वो ही क्या है, उसका अधिगम है। वो कहाँ से सीखा, उसने अपने एनवायरनमेंट से सीखा है, अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन। आगे अपन देखें अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिस्ट, तो फिजियोलॉजिस्ट जो है वो किसकी बात करता है, वो अपनी बात करता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर अपन बात करें कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, न्यूरल और मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसके कारण से होने वाले सभी चेंजेस किस में आते हैं, लर्निंग में आते हैं, क्योंकि इनके चेंज होने के कारण से ही वो उसके व्यवहार में क्या होता है, चेंज होता है। तो ये इंटरनल तरीके से बता रहा है जबकि ये सरफेस लेवल से बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ब्रांच चेंज होती है वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। तो ये इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड थी। आगे अपन देखें कि जो लर्निंग जो है, वैसे देखा जाए तो लर्निंग की जो करैक्टर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाले चेंजेज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेज या मॉडिफिकेशन होता है वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म या उस एनिमल के बिहेवियर में क्या होता है, चेंजेस होता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। दूसरी चीज, बिहेवियर को अपन कहें कि बिहेवियर क्या है या फिर लर्निंग जो बिहेवियर है उसको अपन कह सकते हैं, बिहेवियर एक एडजस्टमेंट है, बिहेवियर एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट, मतलब इसके अंदर जो इंटरनल है, इंट्रा न्यूरल एंड एक्स्ट्रा न्यूरल के कोऑर्डिनेशन, ये इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक इसकी अपन कहें बेसिक है। इसमें से खास तौर से अगर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, लर्निंग से रिलेटेड पूछा जाता है, तो या तो इनके साइंटिस्ट के नाम से पूछा जाता है कि लर्निंग के लिए कौन से साइंटिस्ट है जो रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर आगे अपन देखें तो इसमें जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फिक्स एग्जाम्पल्स हैं, या कौन से एग्जाम्पल में लर्निंग का है या नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये सरफेसली मैंने आपको एक बार बता दिया है। आगे अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, कि ये एग्जाम्पल लर्निंग का है या नहीं है। एग्जाम्पल देखें कि आइसलैंड पर रहने वाले एक लंगूर, अपन जो बंदर होते हैं लंगूर वाले, उनकी अपन बात करें, जिनको इसमें नाम दिया गया है जापानीज मेकाका, जापानीज मेकेका। ये वैसे है क्या, ये लंगूर होते हैं जो आइसलैंड पर रहते हैं। इनके अंदर जब इनके जो बेबी हैं, इनके जो बच्चे हैं, उनके अंदर ऐसा करेक्टर देखा गया, या इन मंकी या इस प्रकार के जो लंगूर हैं उनके अंदर देखा गया कि ये जो स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंद, तो शकरकंद या स्वीट पोटैटो जो ज़मीन से निकालते हैं, निकालने के बाद में ये क्या करते हैं, जो उनकी मिट्टी लगी होती है उस मिट्टी को यहाँ से अपन कह सकते हैं 1 हाथ से पकड़कर शकरकंद को इसमें मिट्टी, इसमें पानी में डालते हैं, और जबकि दूसरे हाथ से क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। इसका मतलब ये जो करेक्टर है कि एक हाथ से शकरकंद को पकड़कर दूसरे हाथ से उसको मिट्टी को हटाना, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये जो करेक्टर है ये कोई अनुवांशिक थोड़ी है, इन्होंने क्या है ये अर्जित किया है, किससे, अपने पेरेंट से। तो ये जो बेबी है, इस बेबी के अंदर इस प्रकार का जो करेक्टर है वो कहाँ से आता है, अपने लाइफ साइकिल में अपने जो पूर्वज हैं या अपना जो सीखा है इसने कहीं से, वही क्या है, एक अधिगम का एग्जाम्पल है कि शकरकंद को निकाला, मिट्टी लगी हुई है तो मिट्टी को खा नहीं सकता, इसलिए उसको क्या करता है, वो पानी के अंदर रखकर उसको वॉश करता है। तो ये करेक्टर इसका एक बेस्ट करेक्टर है। सेम यही जो मेकाका है, जापानीज के जो लंगूर हैं, इनके अंदर भी देखा गया कि अगर इनके अनाज के दाने, अगर अनाज के दाने मिट्टी पे पड़े हुए हैं तो सेम ये क्या करता है, इन अनाज के दानों को, मिट्टी लगी हुई है, इनको क्या करता है, उठाकर ये किसी पानी के अंदर डाल देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, पानी के अंदर मतलब, और इस पानी में कुछ देर रहने के बाद में ये क्या करते हैं, सेम अंदर हाथ डालकर इसको वॉश कर लेते हैं, और वॉश करने के बाद में इसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में इसको खा लेते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार है वो भी क्या है, अधिगम है, इन्होंने सीखा है, और ये क्या है, ये हमेशा इनकी लाइफ टाइम तक ये व्यवहार, जो बिहेवियर है या व्यवहार है वो क्या आता है, फिक्स रहता है। सेम ये भी उसी का एग्जांपल है, तो ये भी क्या है, एक अधिगम का एग्जांपल है। इस प्रकार के जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कि इस प्रकार की कोई लंगूर की वेराइटी है, जापानीज मेकोका है, तो वो स्वीट पोटैटो को, शकरकंद को पानी के अंदर डाल के वॉश करता है, तो ये करेक्टर किसका है, तो अपन जानते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, अधिगम या लर्निंग का करेक्टर है। इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो थोड़े से ध्यान में रखने आपको। आगे अपन देखें, एक एग्जाम्पल देखा गया है
टोड, जो मेंढक की वैरायटी है टोड या फिर अपन कहें मेंढक है, उसमें एक आदत होती है। कौन सी आदत? कि किसी भी चीज को अगर अपन, जैसे ये मेंढक है इस प्रकार से, तो इसके सामने अगर कोई भी दाना यहाँ से फेंका जाए तो ये क्या करेगा, इसको उछलकर इस प्रकार से पकड़ेगा, मतलब जंप करके झपटना। इसको क्या है, झपटने की आदत है। कोई भी अगर दाना या कोई भी चीज इनके पास में अपन रखते हैं तो ये क्या करते हैं, टोड़ उसको झपट के पकड़ते हैं। तो ये एक जो व्यवहार है या जो बिहेवियर है वो भी किसका है, एक अधिगम का, या फिर अपन कहिए तो इनकी आदत है। लेकिन इस प्रकार की जो आदत है उस आदत को एक नई आदत अपन देख सकते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मिलीपेड को इन्होंने क्या दिया, एक शिकार के रूप में इनको खाने को दिया। मिलीपेड को इन्होंने क्या दिया, भोजन के रूप में। किसको दिया, टोड को दिया। कि ये मिलीपेड किसको दिया, टोड को दिया, किसके रूप में, भोजन के रूप में। सेम उसने वही किया, टोड ने क्या किया, झपट के इस मिलीपेड जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या किया, इसने पकड़ लिया, पकड़ लिया। लेकिन पकड़ते ही ये जो मिलीपेड होता है वो क्या होता है, एक तीखी गंध और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। जैसे ही टोड़ ने इसको झपट के पकड़ा, पकड़ते ही इसमें क्या, ये अजीब से एकदम तीखी टाइप की गंध आती है, उसके साथ साथ ये टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, रिलीज करता है। उसी के साथ जैसे ही मुंह के अंदर इस प्रकार का टेस्ट आता है तो ये क्या करता है, उसको वापस से छोड़ देता है, उसको बाहर क्या करता है, भगा देता है। इसको प्रॉब्लम हुई इससे, इसलिए बाहर भगा दिया। जब इसी की कोई भी स्पीसीज या इस टाइप का कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इस टोड़ को अगेन दिया गया, टोड को पुनः मेलीपेड दिया गया, तो क्या ये खाएगा इसको? इसने ऐसी आदत बना ली कि अगर इस प्रकार का या इसकी आकृति का कोई भी जीव अपने को खाने को मिलता है, दैट मीन्स वो अपने लिए कैसे है, हानिकारक है। तो ये उसको खाने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट, ये इसको नहीं खाता है। इस प्रकार का जो व्यवहार है, जब भी इसकी लाइफ टाइम में इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा तो ये इसे नहीं खाएगा। तो ये क्या है, एक लर्निंग है, इसने एक लर्न किया है इस प्रकार का व्यवहार। तो ये क्या है, लर्निंग व्यवहार है या लर्निंग अधिगम है, मतलब या फिर कह सकते हैं लर्निंग या अधिगम है। तो ये भी एक टोड का एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार के एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं, तो पूछे जाए तो थोड़ा सा आपको क्या रहे, इसका आइडिया रहे। आगे अपन देखें, आगे अपन देखें टाइगर या लॉयन, जो भी शेर है, बघेरा शेर है, इनके जो बच्चे हैं ये पहले क्या करते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं। जबकि शिकार कौन करता है, इनकी मदर या जो फादर या जो है मतलब पेरेंटल, वो क्या करते हैं, इनको शिकार पकड़ कर देते हैं और इनको खाना सिखाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ये शिकार करना क्या करते हैं, स्टार्ट,
जैसे छोटे छोटे शिकार हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, उनको पकड़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे मेंढक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे जीवों को पकड़कर, धीरे धीरे इनका शिकार करने की जो प्रवृत्ति है या इनका जो अधिगम है, लर्निंग है, वो धीरे धीरे लर्निंग बढ़ती जाती है। और धीरे धीरे लगभग 2 साल के बाद में ये हिरण का भी शिकार कर लेते हैं। इसका मतलब इस प्रकार का जो व्यवहार है इनके अंदर है थोड़ी, ये बच्चों के अंदर, ये इन्होंने क्या किया है, ये लर्न किया है किससे, अपने पेरेंट को सीखकर, अपनी परिस्थितियों को, अपने को भोजन प्राप्त करना है तो शिकार करना पड़ेगा, इसलिए इस प्रकार का जो व्यवहार है वो भी क्या है, एक अधिगम का एग्जाम्पल है। आगे अपन एग्जाम्पल देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट है निको टिनबर्गन, इन्होंने लर्निंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने किसके ऊपर किया है, एक जो ततैया है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, डिगर वास। डिगर वास्प्स, इसको अपन ततैया, तो यहाँ पर ये जो ततैया है या जो वास्प है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि ये जो ततैया होती है, ये अपने जो बिल है या नेस्ट है, इसका जो घोंसला है या जो बिल है, उसको ये आंकलन करती है, इसकी स्थिति को आंकलन करती है, इसकी आसपास की जो स्थिति है उसको क्या करता है, ये आंकलन करता है, और उसको क्या करता है, ये पहचानता है। इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया किस पे, डिगर वैस्प या ततैया के ऊपर, और इन्होंने देखा कि इसमें इस प्रकार का व्यवहार है कि ये अपने बिल या नेस्ट को क्या करता है, स्थिति को माप कर आंकलन करता है, या फिर अपन कहें स्थिति को आंकलन करते हुए उस स्थिति का आइडिया लगाता है कि मेरा बिल या नेस्ट जो है वो यहाँ पर है, स्थिति को आंकलन करता है वो। और स्थिति को आंकलन कैसे करता है, उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को रीड करते हुए वो यहाँ पर ऐसे अंदाज लगाता है कि मेरा यहाँ पर बिल है, तो बिल को ऐसे कैसे आइडिया लगाएगा, वो अपने सराउंडिंग कंडीशन को देखते हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने प्रूफ किया, कैसे किया देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक नेचुरल कंडीशन देखी कि नेचुरल कंडीशन में ये एक नेस्ट है, ओरिजिनल इसका नेस्ट है, यहाँ पे इसने क्या किया, वर्ताकार वर्ताकार जो पाइन है, पाइन को क्या किया इन्होंने, पेड़ लगा दिए, इस प्रकार से इस प्रकार से इन्होंने पाइन के क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए। इस प्रकार से ये पाइन पाइन के पेड़ लगा दिए। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ही ये जो वेप होती है यहाँ से जब निकलती है, तो ये निकलने के बाद ऐसे सोचती है कि वह जब वापस मुझे आना होगा तो यहाँ कैसे आऊँगी, तो कैसे आएगी, तो ये जो मदर वेप है ये अपने बच्चों के पास कैसे आना चाहेगी, तो अपनी जो स्थिति है, सपोज यहाँ से ये निकली,
यहाँ से निकली और यहाँ से क्या क्या इसने अंकलन स्टार्ट किया। और यहाँ चली गई, तो इन्होंने क्या किया, एक वर्ताकार राउंड मारते हुए और यहाँ पर जाती है। इस प्रकार से यहाँ तक आती है। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है कि इसके चारों तरफ अगर आपने पेड़ लगा रखे हैं तो ये सभी पेड़ों को आंकलन करते हुए ऐसे जाती है कि जहाँ मेरा घर है या जो नेट है या जो बिल है उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, एक पेड़ का एक जाल लगा हुआ है या पेड़ लगे हुए हैं, उन्हीं को रोटेट करते उनको देखते हुए आगे की तरफ जाती है। अब इनका नेट जो है वो तो यहीं रह गया यहाँ पर, और इन्होंने क्या किया, ये जो पेड़ लगाए थे आर्टिफिशियल इन्होंने क्या किया, यहाँ लगा दिए। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पेड़ लगा दिए। अब जब ये घूमकर वापस जब आती है, ये यहाँ से रोटेट होकर जब वापस आती है तो ये क्या करती है, इसी चीज़ को आंकलन करती हुई ये क्या आती है, यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर क्या इसका नेट है या बिल है, यहाँ पर इसका बिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिल तो यहाँ है। इन्होंने क्या कर दिया, जो पाइन है इनकी कंडीशन चेंज कर दी, यहाँ से उठाकर ये यहाँ सेट कर दिए ऐसे। लेकिन इसने क्या किया था, परिस्थिति मापी थी क्या, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट उसको मापी थी, उसका आंकलन किया था, स्थिति को आंकलन किया था, जबकि स्थिति तो चेंज हो गई। तो ये अपने घर को यहाँ पर नहीं पहचान पाती है। तो ये जो व्यवहार है कि किसी भी स्थिति को आंकलन करते हुए अपने घर को पहचान, ये इसमें एक व्यवहार में इसके इंक्लूड है, ये एक शामिल है। तो ये कहाँ से सीखती है, ये इस कंडीशन सीखती है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। तो ये एक लर्निंग का या अधिगम का एग्जाम्पल है। इसको पता थोड़ी ऐसा कि अपना बिल यहाँ है, लेकिन क्या करती है, ऐसी कंडीशन से ऐसे सीखती है ये कि अपने इसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा घर है वो उसको ढूंढना है। तो ये जो व्यवहार है ये भी किसका एग्जाम्पल है, लर्निंग व्यवहार का एग्जाम्पल है या अधिगम का एग्जाम्पल है। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। आगे अपन देखें, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं और अगले पार्ट के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है, इसी का लर्निंग का आधा पार्ट है जिसके अंदर काफ़ी एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना यही वीडियो कंप्लीट होता है। तो जो भी फ्रेंड्स जो फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।